और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जागरूकता के दावों के बावजूद पराली में आग लगाने की घटनाओं पर रोक लगती नहीं दिख रही। एक बार फिर से जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रशासन की कार्रवाई पर और जागरूकता अभियान पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। रोक के बाद भी किसान पराली में आग लगाने से नहीं रुक रहे। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूकता कैंप लगा रखे हैं। बावजूद इसके कुछ किसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। जागरूकता के दावों के बावजूद पराली में आग लगाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही। अब इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या लोगों की बेपरवाही, ऐसा इसलिए क्योंकि सैटेलाइट से पराली जलाने के 49 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन महज 10 किसानों पर ही जुर्माना लगा है। वही मामले में कृषि उप निदेशक प्रदीप मील का कहना है कि मौके पर 10 जगह पर आग लगी मिली। अलबत्ता उन्होंने किसानों से अपील की है कि पराली में आग ना लगाएं, अपितु पराली प्रबंधन बल्कि पराली का प्रबंधन करें। और अभी तक 50% एरिया में हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अभी तक जो हरसेक है जिससे सैटेलाइट का डेटा डेली यहाँ जिले में आता है, उन्होंने 49 केसेस रिपोर्ट किए हैं। वो हमने मौके पे जाके उनकी छानबीन की है तो 10 ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ मौके पे आग मिली है और उनसे हमने इन्वायरमेंट कंपनसेशन चार्जेस रिकवर किया है। एक नया इम्प्लीमेंट मशीन आई है सुपर सीडर, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है इसको पराली प्रबंधन के लिए, इन सीटू के लिए, गेहूं की बिजाई के लिए। तो वो भी हमने 600 के करीब फार्मर को सब्सिडी पे दिए हैं। तो कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत दूसरे फार्मर भी इन फार्मर के साथ मिलकर फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल प्रशासन का दावा था कि किसानों को जागरूक किया जाएगा, बावजूद इसके भी किसान पराली जलाने से नहीं रुक रहे तो उन पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ किसान जागरूक होते नजर नहीं आ रहे, ऐसे में प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र, खबरें अभी तक।